वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने दे। पर दुखी उपकार करे तो मान अभिमान नाने दे। पर दुखी उपकार करे तो मान अभिमान नाने दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। करेंगे कि वे इस पावन पुण्य दिवस पर दीप प्रज्वलित करें।
मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री गिरधर लाल जी से अनुरोध करते हैं कि वे गांधी जयंती के इस पावन पुण्य दिवस पर हमारे प्यारे बच्चों को संबोधित करें। प्यारे बच्चों, आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, आपसी प्रेम और भाईचारे का मूल मंत्र दिया, जिसमें कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई जाति प्रथा नहीं, आपसी भाईचारे, प्रेम भाव, सब मिलजुल कर एक होकर राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत होकर देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दो। बच्चों, जानते हो, भारत के इस लाल ने असत्य के सामने कभी घुटने नहीं टेके। बल्कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही उन्होंने भारत को आजाद करने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए आज हम उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। बापू थे, वो गांधी थे, जो जिंदा है जिंदा रहेंगे। बचपन से ही गांधी जी, श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियों को पढ़ते थे और उनसे बहुत प्रभावित भी हुए थे। गुजरात के पोरबंदर वैष्णव परिवार में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा बाई माखन से संपन्न हुआ। 4 सितंबर 1888 को 19 साल की उम्र में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन लंदन जाने से पहले उनकी माता पुतली बाई ने उनसे एक वचन दिया कि वो लंदन में जाकर मदिरा मांस आदि व्यसन का सेवन नहीं करेंगे। January 1948 का वो दुखद दिन, वो मनहूस दिन, जब गांधी जी प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना स्थल की ओर जा रहे थे, वे बापू थे उन शिष्यों के लिए जो साबरमती आश्रम में रहते थे। वे गांधी जी थे उन लोगों के लिए जो गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहते थे। वे महात्मा गांधी थे हमारे लिए, जो हम उन्हें भारतीय युग के निर्माता के रूप में देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय। भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, गांधी जयंती मनाना हमारे लिए तभी सार्थक होगा जब हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम आजीवन गांधी जी के बताए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, उनके सिद्धांतों को अपनाकर
एक अच्छे नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी जी की जय। महात्मा गांधी जी की गांधी जयंती के अवसर पर हम बच्चों को राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल दिखाने ले जा रहे हैं। जागो दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अहिंसा और धर्म का, सत्य अहिंसा और धर्म का जिसने पाठ पढ़ाया, सत्य अहिंसा और धर्म का जिसने पाठ पढ़ाया, वो बापू थे, वो गांधी थे, जो जिंदा है जिंदा रहेंगे। देश प्रेम और देशभक्ति का, देश प्रेम और देशभक्ति का जिसने अलख जगाया, देश प्रेम और देशभक्ति का जिसने अलख जगाया, वो बापू थे, वो गांधी थे, जो जिंदा है जिंदा रहेंगे। गांधी थे।
जिंदा है जिंदा रहेंगे। भारत माता की जय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय, भारत माता की मैं महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल से वाइस प्रिंसिपल उमा हूँ और ये हमारे गीता टीचर है। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल की क्यूरेटर हूँ। आइए बच्चों, और आज सबको हम इस राष्ट्रीय स्मारक के दर्शन कराते हैं। आइए आइए, आप सब भी आइए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बच्चों, ये आप देख रहे हैं ना, जब सेलुला जेल का निर्माण कार्य पूरा हुआ तब सेलुला जेल इस तरह से नजर आता था। जब सेलुला जेल बनकर तैयार हुई तो एक 3 मंजिला इमारत थी जिसके 7 खंड साइकिल के पहियों की तीलियों की तरह 7 दिशाओं में फैले हुए थे।